के हट जाते हो तो वो फिर मार्केट के अंदर जो है ना थोड़ा सा जो है ना एक लॉस होता है, वो इस चांस में लॉस होता है कि कल को अगर आप दोबारा से उस वक्त खड़े हो गए ना तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, आपके जो क्लाइंट होंगे, आपकी जो चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी जो है ना दोबारा से उस वक्त खड़ी। माशाल्लाह से मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, खुला घूम रहा है, फीट खा रहा है, और माशाल्लाह से कमेंट करिएगा आप लोग के साइज़ बड़ा हुआ है नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई जान इस वक्त रात के जो है ना आपको टाइम दिखा देता हूँ भाई, ये देख लें 11:40 तकरीबन 11:38 हो रहे हैं, आप इसको 40 समझें, और उस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और ये फौरी आ जाएगी फौरी तौर पे ना वीडियो। तो यार ये कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता कि मैं सही से एडिट कर पाऊँ और वीडियो भी प्रॉपर बना पाऊँ, क्योंकि यार आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो रूटीन टफ हुई है। उसकी वजह ये है कि भाई आपको पता है कि मेरे पेपर भी चल रहे हैं, इसके अलावा ये कि दो चार चीज़ें भी होती हैं यार, तो उसमें थोड़ा सा बंदा जो है वो कामों में लग जाता है। अभी भाई करंटली क्या अपडेट है, चूज़ों की मोर्टैलिटी की क्या अपडेट है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज कोई वैसे तो मोर्टैलिटी नहीं हुई है, लेकिन आज जो चीज़ थोड़ी सी चेंजिंग करी है ना वो मैंने आपको बताई है भाई, वो ये करी थी मैंने कि फ़ैन जो है ना वो मैंने इधर लगा दिया, सही है भाई, फ़ैन मैंने इधर लगा दिया, और दूसरी चीज़ है जो है ना वो पानी का मैंने ठंडा दिया है, ठीक है, और अभी इनके पास पानी ख़त्म हो गया, लेकिन दोबारा से मैं इनको ठंडा पानी दूंगा। ठंडा पानी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ अच्छी खासी हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा पानी ठंडा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब लोग बोलेंगे यार ठंडा पानी दोगे सांस का मसला हो जाएगा, गला ख़राब होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, पीने के लायक हो, गर्म भी ना हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल पानी हो, ताकि ये कि एक अच्छा जो है ना एक अफेक्ट जाए, चूज़ा जो है आसानी से पी सके, क्योंकि अगर चूज़ा गर्म पानी नहीं पिएगा ना तो वो डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा, तो इसीलिए उसको जो है ना थोड़ा सा आप उसको ठंडा पानी दें ताकि वो आसानी से पी सके। बाकी भाई कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कंटेंट की क्वालिटी कैसे लग रही है, ठीक है जी, तो आज जो है ना वो अपने क्वालिटी के ऊपर जो है ना कमेंट लाजमी करना है कि आपको क्वालिटी कैसे लग रही है, आया कि वो उसमें कोई फ़र्क आया है नहीं आया सारी चीज़ें। यार बहुत से लोगों ने कमेंट किए, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दुआएँ दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबके कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बना दूंगा। अच्छा एक कमेंट जो है ना वो मेरा थोड़ा, मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा आप लोग से, एक मिनट करते हैं, एक मिनट ना इसमें बैठ जाते हैं। वो ये था यार कि एक भाई ने बोला, कमेंट किया कि आप जो है ना यार थोड़ा अपने दोस्त को बताओ, वलीद जो है वो फार्मिंग ये कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल में वो चाह रहे थे कि वो भी ब्रॉयलर की तरफ आए। देखें बेसिकली वो जो है ना माशाल्लाह से मिस्री कब से करते हुए आ रहा है, मैं उसको तकरीबन 3-4 साल पहले से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। खैर वो आपको पता है हमारी तो खैर दोस्ती भी है, भाइयों वाला रिलेशन है, लेकिन बात सारी ये है कि देखें एक जब बंदा किसी चीज़ में प्रो हो जाता है ना और उसकी मार्केट बन जाती है, तो फिर वो उसमें से हटना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप मार्केट में बैठे हुए हो और आपकी जो है ना एक डिमांड चल रही है, आप सप्लाई करने वाले हो और आप पे पीछे हट जाते हो, तो वो फिर मार्केट के अंदर जो है ना थोड़ा सा जो है ना एक लॉस होता है, वो इस चांस में लॉस होता है कि कल को अगर आप दोबारा से उस वक्त खड़े होगे ना तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, आपके जो क्लाइंट होंगे, आपकी जो चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी जो है ना दोबारा से उस वक्त खड़ी ही नहीं होगी, दोबारा आप ज़ीरो से जो है ना फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी चीज़ थी, आप लोग आई होप कि समझे होंगे इस चीज़ के ऊपर। बाकी जिन्होंने कमेंट किए थे ना कि भाई चूज़े को आप फीड कौन सी डाल रहे हैं, कितने की फीड है, कितनी फीड डाल दी, वेट क्यों नहीं कर रहे, इंशाल्लाह एक दो दिन में वीडियो आएगी, प्रॉपर वेट करेंगे, ठीक है जी, कि कितना वेट आया चूज़ों का, इंशाल्लाह फीड इनटेक भी बता दूंगा। पहले मैंने आपको बता दिया, एक बोरी ख़त्म हो गई, दूसरी बोरी भी देख लें भाई, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा जो है वो आधी से ज़्यादा थोड़ी सी बची हुई है, तो ये कि भाई ये वाला हिसाब किताब है सारा। और बाकी चूज़ा माशाल्लाह से मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, खुला घूम रहा है, फीट खा रहा है, और माशाल्लाह से कमेंट करिएगा आप लोग के साइज़ बड़ा हुआ है नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ भाई, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्वालिटी कैसे लग रही है ये कमेंट करना है भाई आपने, क्योंकि पहले आपको पता है क्वालिटी कैसी होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आया भाई, तो इस चीज़ पर आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये कि माशाल्लाह से आपको पता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो सिर्फ आप लोग के लिए कर रहे हैं, आप लोग को दिखाने के लिए। गिव अवे का दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ इस वीडियो पे, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें, दोबारा से सीधा बता रहा हूँ, क्राइटेरिया नहीं बताऊँगा लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ कि हम दोबारा से गिव अवे कर रहे हैं, ठीक है,
और उसका जो क्राइटेरिया है वो पिछली वीडियो में गिवन है, वो लाजमी जाके देखें ताकि आप लोगों को पता चले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना गिव अवे में अपने नाम दिलवा सकें ताकि आपका जो है वो नाम आए और अच्छे से अच्छे जो भी चीज़ हम देंगे वो आप अवेल कर सकें। क्योंकि मैं इतना आपको बता दूँ, ना उसमें ब्रायलर है ना उसमें कोई दूसरी चीज़ है, उसमें पोल्ट्री है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, इतना मैंने बता दिया। तो भाई यही है कि जब सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया तो बस बाकी आप लोगों का काम है भाई इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप लोग जो है ना वो देख लें। अगर आपको गिव अवे चाहिए यार तो आप लोग थोड़ी सी वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है भाई, सिंपल सी मैंने एक चीज़ एक डिमांड मांगी है वो आपको प्रीवियस वीडियो में पता है। बाकी जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना यार कि वैक्सीन नहीं करी अभी तक ये वो, देखें गर्मी है ठीक है, गर्मी में एक हफ्ते के बाद वैक्सीन करूंगा मैं, मतलब हफ्ते में 7वें दिन पे वैक्सीन करूंगा। चूज़ा इतना ज़्यादा नहीं है यार, आपको पता है कितनी क्वांटिटी है, ना 1000 है ना 1500 है, तो कम क्वांटिटी में चूज़ा रखा हुआ है तो इसलिए उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब ऐसे तो अगर बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर मैं ऐसे करने लग गया तो यार वो फिर मेरा टोटली लॉस है, क्योंकि अभी इस वक्त करंट जो रेट है ना वो बहुत ही कम है, हमें रेट के हिसाब से चलना है ताकि हमारी जो फार्मिंग है वो अच्छे से हो सके, हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से आए, हमें लॉस ना हो, ज़्यादा बेहतर है ठीक है। क्योंकि आपको बताएं कि प्रीवियस जो हमने इससे पहले से पहला वाला व्लॉग तैयार किया था जिसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो उसमें जो है ना मेरे जब लोगों के नुकसान हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरे को नुकसान नहीं हुआ था। फीड की एक और टिप दे रहा हूँ दोबारा से भाई कि आप लोग फीड जो है वो रात के टाइम डाला करें ताकि चूज़ा जो है कम्फर्टेबल होकर आराम से खा सके। देख रहे चूज़ा भी हाँप नहीं रहा, कुछ चूज़े होंगे थोड़े बहुत हाँप रहे होंगे लेकिन चूज़ा हाँप नहीं रहा, तो सुकून से जो है ना वो फीड भी खा रहे हैं और बैठ भी रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, लेट रहे हैं, जो करना है उनको कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ये रात के वक्त कंटिन्यू फीडिंग कर लें आप लोग ठीक है। अब ये देखें ऑलमोस्ट ख़त्म पे है फीड ठीक है, कुछ में ख़त्म हो गई कुछ में ऑलमोस्ट ख़त्म पे, तो ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद 6 बजे दोबारा से डाल दूंगा, 7 बजे दोबारा से हटा दूंगा 1 घंटे का। रात में कंटिन्यू फीडिंग इसलिए कि भाई ठंडा टाइम है, रात में जितना बर्ड खाएगा ना उतना नुकसान नहीं है, दिन में जितना खाएगा उतना नुकसान है। ताकि आपको भी पता है भाई ये चीज़ हमने तमाम चीज़ें बताई हैं कि अगर गर्मी में फीड खाएगा तो वो नुकसान हो जाएगा। बाकी एक भाई ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि यार आप यूनिवर्सिटी की वीडियो नहीं बना रहे, तो भाई सिंपल सी बात है, एक चीज़ है बायो सिक्योरिटी, मैं वैसे तो वहाँ जाता हूँ लेकिन कम से कम टाइम एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये कि मेरी चीज़ जो है ना वो अफेक्ट ना हो ना उनकी चीज़ को अफेक्ट हो। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलेंगे फिर भी आप लोग के लिए टाइम निकाल के इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे। ये वीडियो रात में वीडियो अपलोड हो रही है तो यार दिन में सुबह देख लिया करें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि सुबह के टाइम पे करूं, क्योंकि आपको पता है कि रात में अपलोड कर रहा हूं इसलिए व्यूज़ कम आ रहे हैं, दिन में अपलोड करूंगा तो आपको पता है व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। लेकिन हमें व्यूज़ से कोई टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ जो एक वो है ना हमारी जो डिमांड है वो ये है कि भाई जितने भी लोग फार्मिंग करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं वो जो है लाजमी वीडियो देखें और हमारी वीडियो से अगर सीखेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। एक भाई ने एक और कमेंट किया था, दोबारा से रीड कर रहा हूँ भाई, कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स फ्री कर दो तो बहुत फ़ायदा होगा। देखें यार ये कोर्स मेरा नहीं है, वलीद का कोर्स है और मैंने इसलिए उनसे जो है रेट भी कम कराए हमारे चैनल के रेफरेंस से कि हमारे चैनल से जो आएगा ना उनको फ़ायदा होगा। एक अगर 2500 रुपये का कोर्स उसने 2000 रुपये का कर दिया भाई, तो और क्या चाहिए यार, इतनी चीज़ें उसने चेंजिंग कर दी। तो ये है कि भाई अब इतना है सीन, बाकी ये कि यार अगर आपको फार्मिंग करनी है तो फिर आप ले लो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है यार महंगे से महंगा हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी फ़ायदा हो रहा है, तो कभी भी कोई चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं जाती, हमारी जो बुकिश नॉलेज होती है या हमारा जो भी हमारी जो इल्म है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा, कभी ना कभी आपका काम आएगा। तो यही है कि अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बेहतर ये कि आप ये कर लो, वरना पता क्या होगा कल को आप किसी बड़े उसके पास जाओगे, वेटरनिटी वाले के पास जाओगे, वो आपको बोलेगा भाई कि ये मेडिसिन पकड़ो इससे ये सही हो जाएगा। आप यकीन करो 15,000-20,000 खर्च कर दोगे उसके बावजूद आपका फ्लॉक सही नहीं होगा और उसमें कोई ना कोई मसले आ जाएंगे। तो इसलिए हमने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक हम बताते हैं भाई कि किसी भी बीमारी का जो हल है ना वो एंटीबायोटिक वैक्सीन में नहीं है, बल्कि उसका 80% जो आपका मैं बोलता हूँ कि जो ट्रीटमेंट है ना वो आपकी बायोसिक्योरिटी की वजह से कि किस चीज़ों से आप महफूज करोगे। अगर आप पैरासिटिक यानी कि पैरासिटिक यार ये कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं ना, तो आप लोग बोलेंगे कि यार मैं किस तरीके से बातें कर रहा हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से बातें करना शुरू कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले बेसिकली कि ये जो लीटर है ना ये राइस, इससे कौन कौन सी बीमारी हो जाती है,
क्या चीज़ हो जाती है, अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो हम बना देंगे। बाकी कमेंट करके लाजमी बताइएगा किस तरीके से कंटेंट चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। क्योंकि यार आपको पता है कि इतना कोई टाइम नहीं हुआ ना मैं कोई इतना बड़ा कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रीच आ रही है, सब्सक्राइबर भी डेली आ रहा है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये कि आप लोगों को पता है कि काम हमारा क्या है, सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि भाई YouTube मैंने इसलिए बनाया है कमाने के लिए, कुछ चीज़ करने के लिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है। सिर्फ हमने दिखाने के लिए कि भाई घर पे भी शौक हो सकता है, छोटी सी जगह पे भी शौक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है 1000 गज की जगह लो, ज़रूरी नहीं है 5000 गज की जगह लो, आराम से आप काम कर सकते हो। उम्मीद है आपकी वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।